उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। सूबे के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित किए। लंबे वक्त से रिजल्ट का इंतजार कर रहे विद्यार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 10वीं और 12वीं के नतीजे देख सकते हैं। इस साल के रिजल्ट में लड़कों के मुकाबले लड़कियों का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा रहा। 10वीं कक्षा में 23,982 छात्र पास हुए हैं। यूपी सरकार ने टॉपर्स को लैपटॉप देने की घोषणा की है। इसके अलावा 10वीं और 12वीं कक्षा के टॉपर्स विद्यार्थियों को सरकार 1,00,000 रुपए की सहायता राशि भी देगी। 20 टॉपर्स के घर तक सरकार पक्की सड़क बनाएगी। आपको बता दें कि पिछले साल यूपी बोर्ड का रिजल्ट अप्रैल महीने में जारी किया गया था। इस साल वैश्विक कोरोना महामारी की वजह से बोर्ड के परिणाम आने में देरी हुई। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।